Okay, good morning class. Welcome to the next lecture. So, in this lecture we will talk about literature review. इसको हम क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू भी कहते हैं, ठीक है? तो बेसिकली आप जब भी कोई रिसर्च शुरू करते हैं, यू ऑलवेज बिगिन विद द इंट्रोडक्शन, ठीक है? पहला पार्ट इंट्रोडक्शन होता है जिसमें यू नैरो डाउन द प्रॉब्लम, आप द प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है? सो एक बार आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख दी, देन उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है, इट्स क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू, ठीक है? आप लिटरेचर रिव्यू को परफॉर्म करते हैं एज पार्ट ऑफ प्रिलिमिनरी रिसर्च एज वेल. उसके हमने बात की थी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को नैरो डाउन करने के लिए आप थोड़ा लिटरेचर रिव्यू करेंगे अपने वेरिएबल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए या वेरिएबल्स फाइंड आउट करने के लिए, उसके लिए भी आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ठीक है? बट वंस यू हैव डिफाइंड योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके बाद आप एक प्रॉपर लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ठीक है? एंड ऑब्वियसली लिटरेचर रिव्यू विल ऑल्सो हेल्प यू इन अदर पार्ट्स ऑफ द रिसर्च एज वेल, ठीक है? स्पेशली मेथोडोलॉजी में जब आप वेरिएबल्स बनाते हैं तो उसमें आपका काफी हेल्प करेगा. सो लिटरेचर रिव्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. लिटरेचर रिव्यू बेसिकली होता है कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एम्प्लॉय टर्नओवर इन माय ऑर्गेनाइजेशन इज हाई, ठीक है? यानी कि एम्प्लॉयज जॉब छोड़ के चले जाते हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? सो दिस इज वन प्रॉब्लम. अब मैं देखूंगा कि रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम पहले कितनी रिसर्च हुई है इसके ऊपर, ठीक है? मैं डिफरेंट सोर्सेज को सर्च करूंगा. बेसिकली आई वांट टू नो कि इस प्रॉब्लम के बारे में मैगजीन्स में या जर्नल्स में या बुक्स के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन लिखी हुई, ठीक है? सो आई विल कलेक्ट ऑल दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है? एंड फिर उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद आई विल लुक फॉर मोर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू माई रिसर्च, ठीक है? सो लिटरेचर रिव्यू का फंक्शन क्या है? बेसिकली यू ऑब्टेन की रिसर्च क्वेश्चंस, ठीक है, दैट अदर्स यूज, ठीक है? तो बेसिकली लिटरेचर रिव्यू में आप दूसरे लोगों की रिसर्च पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? तो यू विल नो के व्हाट वर द रिसर्च क्वेश्चंस ऑफ अदर रिसर्चर्स, ठीक है? और लिटरेचर रिव्यू विल ऑल्सो हेल्प यू इन लिस्टिंग ऑल पॉसिबल सोर्सेज जहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है अबाउट योर प्रॉब्लम. तो ये लिस्ट ऑफ पॉसिबल सोर्सेज के हैं, पब्लिश आर्टिकल्स हैं, जर्नल्स हैं, फिर आर्टिकल्स पब्लिश इन मैगजीन्स हैं, फिर आर्टिकल्स पब्लिश इन प्रोफेशनल मैगजीन्स हैं, ठीक है? प्रोफेशनल मैगजीन्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैगजीन, ठीक है? आप अखबार के साथ मैगजीन्स आते हैं, अखबार जहाँ हैं, ठीक है? सो दीज आर नॉर्मल मैगजीन्स. कुछ प्रोफेशनल मैगजीन्स होते हैं लाइन, यानी कि वो प्रोफेशनल चीज़ों से रिलेटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल बिजनेस के कुछ प्रोफेशनल मैगजीन्स हैं, ठीक है? फिर इसी तरह साइंसेस के प्रोफेशनल मैगजीन्स होते हैं. उन मैगजीन्स में सिर्फ उस सब्जेक्ट के बारे में बात की होती है, ठीक है? इधर उधर की बातें नहीं होती, फिल्म रिव्यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है? इस तरह की चीज़ें नहीं होती. सो इट्स वेरी फोकस्ड ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है? अगर बिजनेस के प्रोफेशनल मैगजीन्स होंगे तो उसमें सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे. फिजिक्स का प्रोफेशनल मैगजीन है, सिर्फ फिजिक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स. इसके अलावा बुक्स होती हैं आपके पास, ठीक है? लाइक टेक्स्ट बुक्स हैं, दूसरी बुक्स होती हैं, लोग लिखते हैं एक टॉपिक के बारे में, ठीक है? जिस तरह एम्प्लॉय टर्नओवर या एम्प्लॉय मोटिवेशन के बारे में आपको बुक्स मिल जाएंगी मार्केट में, ठीक है, जो लोगों ने लिखी हुई, ठीक है? उसके अलावा आपके पास पब्लिश थीसिस होते हैं, ठीक है? मास्टर्स या एमफिल के स्टूडेंट्स होते हैं, पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है? वो थीसिस लिखते हैं किसी प्रॉब्लम के ऊपर, थीसिस जो है वो पब्लिश भी होता है समटाइम्स, ठीक है? इट कैन बी एन अनपब्लिश थीसिस. तो ये जो थीसिस हैं आपको ये लाइब्रेरी से मिल जाते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से मिलेंगे, ठीक है? तो पब्लिश थीसिस का मतलब ये होता है कि वो प्रिंट होके एक बुक की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल हो, ठीक है? या अगर मार्केट नहीं अवेलेबल तो ऑनलाइन अवेलेबल होगा, ठीक है? जिसको आप खरीद सकते होंगे. उसके अलावा फिर रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है? ये कंसल्टेंसी की फर्म्स होगी, एनजीओज होगी, ये रिपोर्ट्स लिखती रहती हैं. इसी तरह गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी रिपोर्ट्स लिखती हैं, ठीक है? रिपोर्ट्स किस तरह की? लेट से पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में रिपोर्ट्स होगी, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में कोई रिपोर्ट्स लिखी होगी, ठीक है? ठीक है, तो रिपोर्ट्स का अगेन पर्पज़ क्या होता है? दे वॉन्ट टू डिस्कस स्पेसिफिक प्रॉब्लम और उसके बारे में दे ऑफर यू सम इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स.
फिर रिपोर्ट्स में पब्लिश भी हो सकती हैं, अनपब्लिश भी हो सकती हैं, ठीक है। नॉट ऑल रिपोर्ट्स आर पब्लिश, पब्लिश का मतलब है कि नॉट ऑल रिपोर्ट्स आर मेड पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिश का सिंपली मतलब ये होता है कि समथिंग इज़ अवेलेबल टू जनरल पब्लिक, ठीक है, बेशक पैसे दे के रिसीव करें आप या फ्री में अवेलेबल हो। अनपब्लिश का मतलब है कि वो आम पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी कि मेरे आप जैसे लोग उसको हासिल नहीं कर सकते, इट्स अनपब्लिश रिपोर्ट्स हैं, देर एक्चुअली मेड ओनली फॉर अ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ख़ास कंपनी के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है, या किसी ख़ास एक मकसद के लिए बनाई जाती हैं, और वो पब्लिकली या आम तौर पे शेयर नहीं की जाती, ठीक है। बट स्टिल यू कैन गेट दोज रिपोर्ट्स फ्रॉम योर कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, आपके कॉन्टैक्ट्स या कंपनी होती है, फिर वर्किंग पेपर्स होते हैं। लिटरेचर रिव्यू बेसिकली इंश्योर्स दैट द रिसर्च एफर्ट इज पोजिशन रिलेटिव टू एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड इट बिल्ड्स ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू का बेसिकली मकसद ये होता है कि ऑलरेडी कोई नॉलेज एग्जिस्ट कर रही है किसी प्रॉब्लम के बारे में, तो आपकी रिसर्च जो है उस नॉलेज से फ़ायदा हासिल करे, ठीक है, इसको हम कहते हैं बिल्डिंग ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है। यू कैन ऑल्सो लुक एट अ प्रॉब्लम इन अ स्पेसिफिक एंगल, ठीक है, इट शेप्स योर थिंकिंग। तो लिटरेचर रिव्यू विल ऑल्सो हेल्प यू in looking at a problem in a specific angle. You do not run the risk of reinventing the wheel, which means you do not repeat previous research. यानी कि अगर पहले से किसी टॉपिक के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई हुई है तो उसके ऊपर नई रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, अनलेस आपके पास कोई ख़ास वजह है उसके ऊपर नई रिसर्च करने की, ठीक है, ठीक है। फिर अगर कोई की टर्म्स हैं, ठीक है, जो आप को समझ नहीं आ रही, तो यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस टर्म्स फ्रॉम प्रीवियस रिसर्च। आमतौर पर रिसर्च पेपर जो लिखे जाते हैं उसमें की टर्म्स को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, सो बेसिकली लिटरेचर रिव्यू के लिए जो आप सबसे कॉमनली चीज़ यूज करते हैं, सबसे कॉमनली चीज़ जो यूज़ होती है वो होती है रिसर्च आर्टिकल, ठीक है। रिसर्च आर्टिकल ऑनलाइन डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन डेटाबेसेस होते हैं, एंड उसमें से यू कैन सर्च फॉर आर्टिकल्स, ठीक है। बेसिकली ऑनलाइन डेटाबेसेस में एक्सेस होता है टू जर्नल्स। जर्नल्स क्या होते हैं, दे आर स्पेशलाइज मैगजीन्स, ठीक है, स्पेशलाइज मैगजीन्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक खास टॉपिक से रिलेटेड या कुछ टॉपिक से रेलिवेंट जो है रिसर्च पब्लिश होती है, ठीक है। सो जर्नल्स में आमतौर पर सिर्फ कुछ टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट लाइक न्यूज़पेपर और नॉर्मल मैगजीन्स, ठीक है। बहुत स्पेशलाइज किस्म के आप कह सकते हैं मैगजीन्स होते हैं जिसमें सिर्फ रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, ठीक है, और दीज आर नॉर्मली अवेलेबल ऑनलाइन, ठीक है। तो आपने जब भी रिसर्च आर्टिकल पढ़ना है तो आपने किसी ऑनलाइन जर्नल से उसको एक्सेस करना है, ठीक है। ये जर्नल्स प्रिंटेड फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, बट इतनी आसानी से नहीं मिलते प्रिंटेड फॉर्म में, ठीक है। तो आप जब भी कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहे हो तो दीज आर द क्वेश्चन यू शुड ट्राई टू आंसर। इज द मेन रिसर्च क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रेजेंटेड इन अ क्लियर एंड एनालिटिकल वे? इज रेलेवेंस ऑफ रिसर्च क्वेश्चन मेड ट्रांसपेरेंट? ठीक है, तो आपने देखते हैं कि जो आप रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं उसमें रिसर्च क्वेश्चन या प्रॉब्लम क्लियर है, आपको समझ आ रही है, रिसर्च क्वेश्चन रेलिवेंट है, ठीक है, यानी कि दे आर रिलेटेड टू द रिसर्च। क्या ये रिसर्च प्रीवियस रिसर्च के ऊपर बेस्ड है? डज इट बिल्ड डायरेक्टली ऑन दैट? ठीक है, या दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस रिसर्च। आप तो ये भी देखते हैं कि उस रिसर्च की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है टू द फील्ड, ठीक है, और उस रिसर्च में थ्योरी का उसने कितना इस्तेमाल किया है, और जो उसने थ्योरी डिस्क्राइब की हुई है इज इट रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम, ठीक है। फिर उसने जो मेजर्स यूज किए हैं वेरिएबल को मेजर करने के लिए, आर दे मेजरेबल एंड रिलायबल, ठीक है, रिलायबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। और फिर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखती है कि जो कंक्लूजन है उस रिसर्च की आर दे बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स, ठीक है, यानी कि जो एक्चुअल रिजल्ट हैं उस स्टडी के, क्या कंक्लूजन्स उसके ऊपर बेस्ड हैं या उसने अपनी तरह से कुछ लिखा हुआ, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कंक्लूजन हैं दे शुड फॉलो नेचुरली फ्रॉम द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी, ठीक है। सो अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर बेसिकली आइडेंटिफाइज रेलिवेंट थीम्स एंड डॉक्यूमेंट्स सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रेमवर्क फ्रॉम प्रीवियस, ठीक है।
सो लिटरेचर रिव्यू का मकसद ये होता है कि आपने रेलेवेंट थीम्स आइडेंटिफाई करनी है फ्रॉम प्रीवियस रिसर्च या रेलेवेंट फाइंडिंग्स आइडेंटिफाई करनी फ्रॉम प्रीवियस रिसर्च। लिटरेचर रिव्यू की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज यू नीड टू कन्विंस द रीडर दैट वर्कर इज नॉलेजेबल अबाउट द प्रोजेक्ट, ठीक है। सो लिटरेचर रिव्यू का मकसद ये भी होता है कि कोई और शख्स आपका रिसर्च पेपर पढ़े या आपका रिसर्च प्रपोजल पढ़े तो ही नोज कि भाई आपने इस टॉपिक के ऊपर कुछ रिसर्च की हुई एंड यू आर नॉलेजेबल अबाउट दैट टॉपिक। लिटरेचर रिव्यू शुड प्रेजेंट रिसर्च इन अ लॉजिकल मैनर नॉट क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। सो लिटरेचर रिव्यू जब आप लिख रहे होते हैं तो आपने क्रोनोलॉजिकली नहीं चलना होता, ठीक है। आपने इस तरह नहीं करना कि भाई 1950 में एक रिसर्च पब्लिश हुई है, फिर 1960 में कोई, फिर 70 में हुई, ठीक है। तो आपने ईयर वाइज नहीं चलना होता, ठीक है। यू शुड नॉट फॉलो एन ऑर्डर ईयर वाइज, ठीक है। आपने एक लॉजिकल मैनर में चलना होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपने थीम्स को आइडेंटिफाई करना होता है और आपने थीम्स के मुताबिक चलना है, ठीक है। फर्स्ट यू विल डिस्कस वन थीम, फिर आप एक और थीम को डिस्कस करेंगे। सो लिटरेचर रिव्यू इज इंटेंडेड टू सिंथेसाइज रेलेवेंट रिसर्च ऑन योर टॉपिक। और लिटरेचर रिव्यू आप कह सकते हैं इट्स काइंड ऑफ अ समरी ऑफ ऑल प्रीवियस रिसर्च रिलेटेड टू अ सर्टेन टॉपिक। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। नाउ आई वुड लाइक टू टेक यू टू द बुक, ठीक है। द बुक से भी आप थोड़ा सा इसको स्टडी करें, ठीक है। ओमर सेक्टर की बुक है, उसमें चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है। सो यू कैन जस्ट रेफर टू दैट, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे इस बुक को। ठीक है, तो एक एग्जांपल दी हुई है लिटरेचर रिव्यू की, बहुत शॉर्ट लिटरेचर रिव्यू है, दिस इज नॉट द कंप्लीट लिटरेचर रिव्यू, लेकिन लिटरेचर रिव्यू का जो फॉर्मेट है आपने इसी तरह का यूज़ करना है, ठीक है। तो टॉपिक आपका ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है, ठीक है। सो द मेन प्रॉब्लम इज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। अब इसको बहुत ज़्यादा उसने अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस से रिलेटेड क्या चीज़ है, बट जनरली इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ठीक है। सो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एग्जैक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो नहीं लिखी हुई, बट सो जस्ट लुक एट द फॉर्मेट ऑफ इट, ठीक है। सबसे पहले वो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस की डेफिनेशंस की बात करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फिर उससे आगे रेफरेंसेस दिए हुए हैं कि किस किसने इस तरह इसको डिफाइन किया। फिर गोल्स, अब गोल्स के हवाले से किन ऑथर्स ने डिस्क्राइब किए हुए, ठीक है, उसका नाम और उस पेपर का रेफरेंस, एफिशेंसी, रिसोर्सेज एक्विजिशन, एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन, इंटरडिपेंडेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल वाइटलिटी। एज कुल्टर, ठीक है, कुल्टर इज द ऑथर और उसने किस साल में ये लिखा था वो भी दिया। रिमार्क्ड, देर इज लिटिल कंसेंसस ऑन हाउ टू कंसेप्चुलाइज मेजर और एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। दिस शुड हाउएवर नॉट कम एज अ सरप्राइज टू अस सिंस ओई मॉडल्स आर एसेंशियली वैल्यू बेस्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्ट, द वैल्यूज बींग दोज ऑफ द रिसर्चर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ओवर हियर द लिटरेचर रिव्यू इंट्रोड्यूसेस द सब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड स्टडी, ठीक है, इंट्रोड्यूसेस द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, इट बेसिकली हाईलाइट्स द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। एंड थर्डली इट समराइजेज द वर्क डन सो फार ऑन द टॉपिक इन अ मैनर दैट कन्विंसेज द रीडर दैट द रिसर्चर हैज इंडीड सर्वेड, यानी कि हैज डन हिज होमवर्क ऑन द रिसर्च ऑलरेडी डन ऑन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो
आप बाकी पैराग्राफ भी पढ़ सकते हैं। सो आपने एथिकल इश्यूज का भी थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। जब आप किसी और की रिसर्च को रेफर कर रहे होते हैं योर आर्टिकल, या उसको समराइज कर रहे होते हैं, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसको पर्पजिवली मिसरिप्रेजेंट ना करें उस बंदे की रिसर्च को, ठीक है। और प्लेजरिज्म से आपने दूर रहना है, ठीक है। आपने उस किसी और ऑथर के ओरिजिनल वर्ड्स नहीं यूज़ करने, उसके आगे बढ़े आइडियाज़ नहीं यूज़ करने, ठीक है। अगर आप यूज़ करते हैं तो यू हैव टू एक्नॉलेज दैट इन योर वर्क। एक्नॉलेज आप किस तरह करेंगे, यू हैव टू गिव द रेफरेंस, ठीक है। ठीक है, तो अगर किसी के काम को मिसरिप्रेजेंट करना या प्लेजराइज करना, यानी कि उसके काम को अपना बना के पेश करना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट्स अनएथिकल, और ये आपने किसी भी रिसर्च में नहीं करना इस तरह से, ठीक है। आपने कॉपी पेस्ट भी नहीं करना ऑनलाइन से, ठीक है। कहीं से आपने आर्टिकल देखा, वहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया, दिस इज प्लेजरिज्म एंड इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। उसकी वजह क्या है, प्लेजरिज्म मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द रीडर टू वेरीफाई वेदर योर क्लेम्स अबाउट अदर ऑथर्स एंड सोर्सेज आर एक्यूरेट, ठीक है। तो यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ साइंटिफिक डिबेट, यू नीड टू मेक योर पोजिशन इन द डिबेट क्लियर बाय डेजिग्नेटिंग द ऑथर्स हुज वर्क यू बिल्डिंग ऑन, ठीक है। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म। एक प्लेजरिज्म तो आपको पता होगा, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। ऑनलाइन गया, आपने एक आर्टिकल देखा, उसको कॉपी पेस्ट किया, उसकी थोड़ी सेटिंग वगैरह की और उसको उसके ऊपर अपना नाम लिख के आपने सबमिट करा दिया, ठीक है। फिर और तरह के प्लेजरिज्म भी एग्जिस्ट करते हैं, दिस इज ठीक है। कॉपी पेस्ट इज नॉट द ओनली टाइप ऑफ प्लेजरिज्म, ठीक है। गोस्ट राइटर एक तरह का प्लेजरिज्म है, उसमें क्या होता है, द राइटर टर्न्स इन अनदर्स वर्क, ठीक है। यानी कि आप वर्ड बाय वर्ड किसी का पेपर उठाते हैं या किसी की असाइनमेंट उठाते हैं, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, एज इट इज़, उसके ऊपर अपना नाम लिखते हैं और सबमिट करा देते हैं। तो हो क्या रहा है, बेसिकली किसी और का काम जो है अपना कह के सबमिट करा रहे हैं, विच इज़ एक तो झूठ है वो, एंड इट्स रॉन्ग, ठीक है। ठीक है, दूसरा ये है कि आप जो है किसी का काम जो है देखते हैं, उसमें से जो चीज़ें आपको रेलेवेंट लगती हैं वो आप कॉपी करते हैं और पेस्ट करके अपने उसमें असाइनमेंट या पेपर में शामिल कर लेते हैं, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। बेसिकली वो कह रहा है कि आप उसका काम एज इट इज़ कॉपी कर रहे हैं अपने काम में, ठीक है, और आप ये एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे कि आपने कॉपी किया, ठीक है। अगर आप कॉपी करते हैं तो यू हैव टू एक्नॉलेज दैट इन योर रिसर्च, उसको एक्नॉलेज करने का बेस्ट तरीका होता है यू हैव टू गिव रेफरेंस, ठीक है। और इसको बहुत ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना कि दूसरे के काम को, दूसरे के वर्ड्स को एज इट इज़ कॉपी करके पेस्ट कर दें, ठीक है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। अगर आप कॉपी भी करते हैं तो वो एज इट इज़ वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। अगर आप एज इट इज़ वर्ड यूज़ करते हैं, दे शुड बी इन कोटेशन मार्क्स, ठीक है, कोटेशन में लिखना है और उसका फिर रेफरेंस आउट नहीं करना, लेकिन इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है इन योर रिसर्च और असाइनमेंट्स। ठीक है, फिर है पुअर डिस्गाइज। एक और तरीका होता है कि आप बेसिकली किसी और का काम उठाते हैं या किसी और की असाइनमेंट उठाते हैं, उसमें से आप कुछ चेंजेस करते हैं, कीवर्ड्स को चेंज कर देते हैं, कुछ फ्रेजेस को चेंज कर देते हैं, फिर उसके ऊपर अपना नाम लिख के सबमिट करा देते हैं, दिस इज ऑल्सो प्लेजरिज्म, ठीक है। फिर पैराफ्रेजिंग है, ठीक है, आप किसी और का काम उठाते हैं, उसको पैराफ्रेज करते हैं, यानी कि उसको आप अपने वर्ड्स में लिखते हैं, बट बेसिकली आप किसी का काम एज इट इज उठा रहे हैं, उसको उसकी सर वर्डिंग आप चेंज करें, दिस इज ऑल्सो प्लेजरिज्म, ठीक है। ठीक है, फिर आप अगर अपने पुराने काम से बहुत ज्यादा, लेट्स से आपने पहले कोई असाइनमेंट बनाई हुई है, पहले कोई पेपर लिखा, उससे इफ यू आर बोरिंग फ्रॉम दैट, ठीक है, तो इट विल अफेक्ट द ओरिजिनलिटी ऑफ योर वर्क, ठीक है। आपका जो काम अगर आप चाहते हैं ओरिजिनल हो, या अगर आपकी टीचर की एक्सपेक्टेशन है कि इट शुड बी ओरिजिनल, यू शुड नॉट कॉपी फ्रॉम योर प्रीवियस वर्क यू हैव डन, ठीक है।
ठीक है। अच्छा उसमें एक चीज़ ये भी होती है कि अगर आप अपने आर्टिकल में सही तरह से रेफरेंसेस नहीं दे रहे ना, तो आपका जो काम है इट विल बी कंसिडर्ड प्लेजराइज्ड। फॉर एग्जाम्पल द राइटर मेंशंस एन ऑथर्स नेम फॉर सोर्स बट निगलेक्ट्स टू इंक्लूड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑन द लोकेशन ऑफ द मटीरियल रेफरेंस। यानी कि आप एक ऑथर का सिर्फ नाम मेंशन कर रहे हैं बट यू आर नॉट टेलिंग के भाई उस ऑथर ने वो चीज़ कौन से पेपर में लिखी हुई, उस आर्टिकल का नाम क्या है, उस बुक का नाम क्या है, पेज नंबर क्या है। ठीक है, तो आप जब भी रेफरेंस देते हैं यू हैव टू गिव डिटेल रेफरेंसेज इन द बिबलियोग्राफी सेक्शन या जिसको आप रेफरेंसेज का सेक्शन कह सकते हैं। या फिर ये होती है कि आप इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी कि साल गलत लिख दिया आपने या बुक का नाम गलत लिख दिया, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। अगर आप इस तरह करेंगे अगेन योर वर्क विल बी कंसिडर्ड एज प्लेजराइज्ड। द टू परफेक्ट पैराफ्रेज द राइटर प्रॉपरली साइट्स सोर्स पर निगलेक्ट्स टू पुट इन कोटेशन मार्क्स टेक्स्ट दैट हैज बीन कॉपीड वर्ड फॉर वर्ड और क्लोज टू इट। तो यहाँ पे आप कुछ और एग्जांपल्स ही मिलेंगे लिटरेचर रिव्यू की। ठीक है, और ये एक अच्छी सी असाइनमेंट है, यू कैन ट्राई डूइंग दिस। ठीक है, इट विल गिव यू प्रैक्टिस, इसको आप ट्राई करें। ठीक है, बट कीप इट शॉर्ट, बहुत लंबा काम ना करें दिस केस बिकॉज यू डू हैव एन असाइनमेंट इन दिस सब्जेक्ट, इस पर आपको ज़्यादा टाइम लगा। ठीक है, ओके, सो दीज आर बेसिकली ऑनलाइन डेटाबेसेस जिनको आप यूज़ कर सकते हैं टू सर्च फॉर एन आर्टिकल। I will also show you an example over here. Okay, so I will just go to okay. Okay, you can check these databases as well. Okay, इनमें आपको काफी information मिल जाएगी। अगर आपने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड स्टैटिस्टिकल डेटा यूज़ करना है तो वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इज गुड वन। ठीक है, तो जैसे कि कंट्रीज से रिलेटेड डेटा देते हैं, लाइक अबाउट द जीडीपी, इन्फ्लेशन लेवल्स, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, ओके, उसके अलावा SSR एंड आई विल शो यू दिस वन। ठीक है, तो आई विल शो यू गूगल स्कॉलर। ठीक है, एक बड़ा अच्छा सर्च इंजन है, इट्स स्पेशली मेंट फॉर रिसर्चिंग रिसर्च आर्टिकल्स। ठीक है, रिसर्च आर्टिकल्स ढूंढने के लिए इट्स अ वेरी गुड सर्च इंजन बेसिकली। ठीक है, तो ये आपके गूगल स्कॉलर आ गया, इसका नाम ऊपर लिखा हुआ scholar.google.com। ठीक है, तो आपके पास एक प्रॉब्लम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं। मे बी आप जानना चाह रहे हैं कि क्या चीज़ ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है, वॉट फैक्टर्स मेक ऑर्गेनाइजेशन मोर इफेक्टिव। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स आ गई रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं देयर नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो ये तो पहला पेज है, अभी और पेजेस भी हैं। पेज टू पर भी यू विल फाइंड आर्टिकल्स रिलेटेड। तो इसको मैं थोड़ा स्पेसिफिक करता हूँ, लेट्स मैं कहता हूँ आई वॉन्ट टू नो के वॉट इज़ द इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस ऑन एम्प्लॉय टर्न ओवर। ठीक है, तो मैं दो वर्ड्स लिख देता हूँ यहाँ पे जो मेरे मेन वर्ड्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड एम्प्लॉय टर्न ओवर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, नाउ यू कैन
इन आर्टिकल्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, अब बट आप पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ सकेंगे, ठीक है, शायद आपको थोड़ा सा वो आर्टिकल दे दें, सम आर्टिकल्स माइट बी अवेलेबल फॉर फ्री, लेकिन जो ज़्यादातर आर्टिकल होते हैं फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, यू हैव टू पे फॉर देम, ठीक है, और पे जब आप करते हैं तो यू हैव टू पे इन डॉलर, तो दे आर एक्सपेंसिव, ठीक है, ठीक है। मैंने उस आर्टिकल पे क्लिक किया तो मुझे इस वेबसाइट पर लाया विली ऑनलाइन लाइब्रेरी, ठीक है, विली इज़ ऑल्सो गुड सोर्स, आप ये भी नोट कर सकते हैं ऑनलाइन लाइब्रेरी विली, तो अगर आप डायरेक्टली विली पे जाके भी आर्टिकल्स के लिए सर्च कर सकते हैं ओवर हेड इन द सर्च बार, ठीक है। तो अगर मैं इस आर्टिकल को डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, वो कहता है यू हैव टू गेट एक्सेस टू द फुल वर्जन, एक्सेस कितने में मिलेगा आपको, 48 आवर्स के लिए एक्सेस चाहिए तो $7 है, ऑनलाइन ओनली एक्सेस चाहिए तो $16 है, PDF डाउनलोड चाहिए तो $42 है, ठीक है, तो बेसिकली यू हैव टू पे मनी, ठीक है, बट द गुड थिंग इज़ कि यूनिवर्सिटी के पास जो वेली ऑनलाइन लाइब्रेरी है ना, इट्स बेसिकली एक डाटा बेस है, ठीक है, वेली हो गया, ऑक्सफर्ड हो गया, ठीक है, तो जो हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, इट हैज़ एक्सेस टू ऑल दिस डेटा बेसिस, ठीक है, यानी कि अगर आप यूनिवर्सिटी में बैठे हैं और यूनिवर्सिटी का वाईफाई यूज़ करें तो यू कैन डाउनलोड मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स ऑन गूगल स्कॉलर फॉर फ्री, ठीक है, तो आप गूगल स्कॉलर के आर्टिकल्स यूनिवर्सिटी में फॉर फ्री डाउनलोड कर सकते हैं इफ़ यूर यूजिंग यूनिवर्सिटी वाईफाई, ठीक है, घर में आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो आई ऑलवेज रिकमेंड आप गूगल स्कॉलर को यूज़ करें अपने ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए भी, ठीक है, बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीक, ठीक है, एंड किसी और असाइनमेंट में भी अगर आपको रिसर्च करनी है, ठीक है, अगर आप फाइनल सेमेस्टर में प्रोजेक्ट करेंगे उसके लिए भी गूगल स्कॉलर इज़ वेरी हेल्पफुल, ठीक है। फिर मैं आपको SSRN भी दिखा देता हूँ, SSRN, ठीक है, ठीक है, SSRN इज अगेन एक तरह का डेटाबेस है, ठीक है, एंड इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स, ठीक है, लिखा भी है SSRN's e-library provides 950,733 research papers from 503172, ठीक है, researchers in more than 60 disciplines, के लिए भी यू नीड टू क्रिएट एन अकाउंट एंड साइन इन, ठीक है, क्रिएट अकाउंट जाके आप अकाउंट बना सकते हैं, वंस यू मेक एन अकाउंट यू बिकम अ मेंबर, ठीक है, फिर आप साइन इन कर सकते हैं, ठीक है, इसमें से कुछ आर्टिकल्स आपको फॉर फ्री मिल जाएंगे, ठीक है, इसमें आप आर्टिकल्स को फ्री एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, वंस यू आर अ मेंबर, ठीक है, पासवर्ड नहीं काम करो, सो लेट्स नॉट वरी अबाउट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सो दीज वर सम सोर्सेस जहां से आप रिसर्च आर्टिकल्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे यू कैन राइट डाउन अबाउट योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है, सर्च कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, जिस तरह हमने गूगल स्कॉलर में किया था यहाँ भी आप वही काम कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह मैं अगर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस लिखता हूँ यहाँ, कुछ आर्टिकल्स आगे नॉट रियली रिलेटेड टू माई टॉपिक बट स्टिल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में कुछ चीज़ें आ गई हैं,
है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. आप उमर सेक्रेट की किताब में इसका चैप्टर नंबर 4 है आई थिंक. उस चैप्टर से इसको थोड़ा स्टडी करें लिटरेचर वी को, एंड लुक फॉर एग्जांपल्स ऑफ लिटरेचर वी दैट. ठीक है, ऑनलाइन एग्जांपल्स ही मिल जाएंगे आपको लिटरेचर वी ट्राइड स्टडी दैट. ठीक है, रिमेंबर एक चीज़ ये करनी है कि आपने यू आर गोइंग टू यूज़ द एपीए फॉर्मेट. ठीक है, रेफरेंसिंग के लिए तो आप सिर्फ एपीए फॉर्मेट पे कॉन्सेंट्रेट करें. ठीक है, ओके, सो आई विल शो यू द एपीए फॉर्मेट एज वेल. इट्स ऑन पेज 66. ठीक है, ऑफ चैप्टर 4 उमा सेक्रेट. दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा. ठीक है, सो दिस इज द एपी फॉर्मेट बेसिकली. ठीक है, तो अगर आपने एक किसी बुक का रेफरेंस देना है न्यू आर्टिकल, अगर वो बुक बाय सिंगल ऑथर है तो दिस इज द फॉर्मेट यू विल यूज. ठीक है, सो दिस इज लास्ट में पहले आता है, फिर उसके जो बाकी नेम है ठीक है वो आएंगे. ठीक है, सी डॉट बी एंड फिर टाइटल आ जाएगा मैनेजमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है, फिर पब्लिशर होता है. ठीक है, सो इस तरह यहाँ पे प्रेंटिस ऑल पब्लिशर है. ठीक है, एंड सो ऑन. दिस वाइट बी द नेम ऑफ सम प्लेस यहाँ पे बुक पब्लिश हुई. ठीक है, ओके. सो आपके जो सबसे काम की चीज़ें वो है जर्नल आर्टिकल. ठीक है, तो अगर आपने जर्नल आर्टिकल को कोट करना है यूजिंग ए पी फॉर्मेट तो लास्ट टाइम पहले आते हैं, फर्स्ट टाइम बाद में आएगा. यहाँ पे देर आर टू ऑथर्स, तो फिर यहाँ पे ये साइन आ जाएगा बीच में एंड का. फिर अगेन लास्ट नेम आएगा सेकंड ऑथर का, फिर फर्स्ट नेम आएगा, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ जाएगा, फिर नेम ऑफ द आर्टिकल आ जाएगा, फिर नेम ऑफ जर्नल जिस जर्नल में आर्टिकल पब्लिश हुआ. ठीक है, फिर उसका इशू और वॉल्यूम नंबर होगा, फिर पेज नंबर होंगे जिस पेजेस पे वो आर्टिकल पब्लिश हुआ. ठीक है, ओके, सो दैट्स बेसिकली हाउ यू पब्लिश एन आर्टिकल. ठीक है, तो इस फॉर्मेट को खासतौर पर आपने याद रखना. अपने आर्टिकल्स ये बिब्लियोग्राफी को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर भी कुछ होते हैं, उसके भी हम बाद में बात करेंगे. ठीक है, सो दे मेक इट स्लाइटली इजी टू अरेंज योर बिब्लियोग्राफी एंड टू राइट ऑन बिब्लियोग्राफी. ओके, राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच.